नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। शुरुआत करते हैं टॉप 5 न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 11 बजे द इंडिया टॉय फेयर 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने मिलकर इसका आयोजन किया। भारत खिलौना मेला के लिए अभी तक 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। भारत खिलौना मेला 2021 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहला खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है, यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति मजबूत करने की एक कड़ी है। मुंबई के मुकेश अंबानी के घर के पास एक स्कॉर्पियो में जिलेटिन छड़े मिलने के मामले में पुलिस को थोड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उस शख्स का पता लगा लिया है जिसके नाम पर इस स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन है। पुलिस ने जिलेटिन बनाने वाली कंपनी के मालिक का भी बयान दर्ज कर लिया है। अब स्कॉर्पियो के साथ दिखी इनोवा कार की पड़ताल तेज हो रही है। माना जा रहा है कि आरोपी इसी में बैठकर फरार हुए थे। मुलुंड टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में भी यह गाड़ी नजर आई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम करीब एक साल के लंबे अंतराल के बाद 7 मार्च से मैदान में दोबारा से खेलती नजर आएगी। बीसीसीआई ने शनिवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका सीरीज का शेड्यूल जारी करने के साथ ही भारतीय महिला टीम का ऐलान भी कर दिया। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के खिलाफ भारत की आगामी पेटीएम वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। आगामी द्विपक्षीय श्रृंखला में 5 एक दिवसीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय टीम मुकाबले खेले जाएंगे। यह सभी मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। नगर विमानन महानिदेशालय DGCA ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। यह प्रतिबंध मार्च 2020 में लागू हुई थी। कोरोना वायरस महामारी के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है। DGCA द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 26 जनवरी 2020 के परिपत्र में आंशिक संशोधन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने परिपत्र की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। सरकार के न मानने से नाराज किसानों ने सख्त फैसला लेने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को हरियाणा के नारनोंद कस्बे की अनाज मंडी में सत्रोल खाप की एक पंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि 1 मार्च से दूध का रेट 100 रुपए लीटर हो जाएगा। वही फैसला न मानने वाले किसानों पर 11,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकित सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब दुगने कीमत यानी 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या डेयरियों में बेचने वाले दूध पर लागू होगा, गांव में खरीदने वाले लोगों पर यह फैसला लागू नहीं है। किसानों ने कहा कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे दूध के दाम भी बढ़ाएंगे।